नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पटना में 10,000 ऑटो वालों के लिए खुशखबरी, अगले साल 31 मार्च तक चला सकते हैं डीजल वाली गाड़ी। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना के लगभग 10,000 ऑटो वालों को बिहार सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोग अगले साल 31 मार्च 2022 तक डीजल वाली गाड़ी चला सकते हैं। शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में सुधार के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी वाली गाड़ियों के परिचालन का जो नियम बनाया है उसमें थोड़े समय के लिए ढिलाई दी गई है। गौरतलब हो कि सरकार ने यह फैसला लिया था कि 30 सितंबर तक ही पटना शहरी क्षेत्र में डीजल वाली गाड़ियां चलेंगी, लेकिन अब सरकार ने 6 महीना का समय बढ़ाते हुए यह कहा है कि अगले साल 31 मार्च 2022 तक लोग डीजल वाली गाड़ी चला सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से डीजल वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जाएगा और ये गाड़ियां नहीं चलेंगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धुआं उगलते ऐसे वाहनों को बंद करने को कहा है ताकि धुआं से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। 22 अक्टूबर को खादी मॉल आएंगे राष्ट्रपति, महामहिम के आगमन की तैयारियों का उद्योग मंत्री ने लिया जायजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के लिए 3 दिनों के दौरे पर 20 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को सुबह पटना के गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचेंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना स्थित खादी मॉल आगमन से पूर्व बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने खादी मॉल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। देश के महामहिम के खादी मॉल आगमन से उद्योग विभाग में काफी उत्साह है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को खादी मॉल के सभी तलों का भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राष्ट्रपति जी का बिहार आगमन सभी बिहारवासियों के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि बिहार से महामहिम का विशेष लगाव है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने बतौर राज्यपाल बिहार के विकास की चिंता की, तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो हमेशा बिहार और बिहार के लोगों के लिए फिक्रमंद रहे हैं। साथी की हत्या के बाद मजदूरों में दहशत, कश्मीर छोड़कर अपने अपने घर लौटने लगे लोग, परिवार भी कर रहे हैं कुशल वापसी की कामना। जम्मू कश्मीर में आए दिन बिहारी मजदूरों को आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकवादियों के हमले में अब तक 4 बिहारियों की मौत हो चुकी है जबकि 1 घायल है। जम्मू में एक के बाद एक हत्या की इस वारदात से वहां रह रहे अन्य बिहारी मजदूरों में दहशत का माहौल है। ऐसे माहौल में प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर छोड़कर अपने अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं। भारी संख्या में बिहारी मजदूरों के कश्मीर छोड़ने की खबर आ रही है। कश्मीर में रहने वाले बिहारी मजदूरों का कहना है कि अब यहां पर रहना सुरक्षित नहीं है। दीपावली और छठ के मौके पर वे घर जा रहे थे, लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे देखते हुए ज्यादातर लोग अभी से ही घर के लिए निकलने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बिहारियों का कहना है कि अब वे घर चले जाएंगे, यहाँ रहकर क्या करेंगे, यहाँ का माहौल खराब हो गया है, अब हम लोगों को भी डर लगने लगा है, यहाँ काम करने वाला माहौल नहीं है कि हम यहाँ काम करें, इसीलिए हम लोगों ने अब मन बना लिया है कि कश्मीर छोड़कर अपने अपने घर को लौट जाएंगे, वहीं रहकर अपना और अपने परिवार का परवरिश करेंगे। बिहार में अब सिपाही बनेंगे मुंशी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। बिहार में अब थाना के काम में लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में यह सूचना मिली थी कि राज्य के कई थानों में नियमों के खिलाफ जाकर चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही दे दी गई है। इसकी समीक्षा करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आपत्ति जताई और पुलिस अफसरों को यह निर्देश दिया है कि थाने में चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही न दी जाए। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि थाना में मुंशी की जिम्मेदारी काफी अहम है, इससे जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसीलिए थाने में चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही न दी जाए बल्कि सिपाही को मुंशी का काम दिया जाए। इससे सिपाही यानी कांस्टेबल को कम से कम 10 साल का अनुभव जरूर होना चाहिए। पुलिस मुख्यालय ने वरीय अधिकारियों को इसकी समीक्षा करने को भी कहा है। इसके बाद थानों में इससे जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद बड़े पैमाने पर थानों में अनुभवी सिपाहियों को इसकी कमान मिल सकती है। SC ST को सरकारी ठेके में नहीं मिल रहा है आरक्षण, नीतीश बोले सरकार इस मामले को देखेगी। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में
सरकारी ठेके के काम से SC/ST वर्ग को आरक्षण में नहीं दिए जाने का मामला पहुंचा है। मुख्यमंत्री के सामने SC/ST तबके से आए एक युवक ने इस बात की शिकायत की कि सरकारी ठेके में 15 लाख से कम की योजना के अंदर SC/ST वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल मामले से संबंधित विभाग से जानकारी ली, निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ था, लिहाजा मुख्यमंत्री ने तत्काल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल विभागीय अधिकारियों को कहा है कि हमने SC/ST वर्ग को सरकारी ठेके में आरक्षण देने का फैसला किया था, इससे युवक की शिकायत के संदर्भ में है, इसको देख ले। अगर आरक्षण का लाभ SC/ST वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है तो सरकारी ठेके में इसे सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद 15 लाख से कम राशि की सरकारी योजनाओं के ठेके में SC/ST को आरक्षण का लाभ मिलने की उम्मीद जग गई है। CBSE के 10वीं और 12वीं टर्म 1 की परीक्षा की डेटशीट जारी। 30 नवंबर से परीक्षा की शुरुआत। CBSE के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए यह खबर है। CBSE बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की डेटशीट आज जारी कर दी गई है। 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी, वहीं 12वीं के टर्म 1 की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। CBSE के आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर इस डेटशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यह एग्जाम ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। पेपर की अवधि 90 मिनट की होगी, जबकि प्रश्नों को बढ़ने के लिए 20 मिनट का समय अलग से मिलेंगे। बिहार सरकार देगी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को प्रशिक्षण, 3 माह में पूरी होगी ट्रेनिंग। पंचायती राज विभाग द्वारा सरकार की सभी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए गहन प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। पंचायत आम चुनाव के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होने वाले 2,55,022 जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षण में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, स्वच्छता अभियान, शराबबंदी, बाल विवाह व दहेज प्रथा के साथ उनके कर्तव्य और दायित्वों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच को न्याय के संबंध में जानकारी दी जाएगी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में निर्वाचित होने वाले जन प्रतिनिधियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए 4 प्रकार की पुस्तिका की तैयारी की गई है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला पार्षद सदस्य और जिला पार्षद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकारी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही ग्राम कचहरी की पूरी व्यवस्था की जानकारी पंच व सरपंचों को दी जाएगी। बिहार सरकार को झटका, निर्वाचन आयोग ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर लगाई रोक। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की अधूरी प्रक्रिया अब पंचायत चुनाव के बाद ही पूरी हो सकेगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि नियोजन प्रक्रिया में शामिल परामर्श समिति के पदाधिकारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में शामिल है, इसीलिए आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर नियोजन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। आयोग का यह आधिकारिक पत्र शुक्रवार को मिला है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने 1200 नियोजन इकाइयों में 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन अथवा अनुमति मांगी थी। 20 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह, 7 जजों को चीफ जस्टिस संजय करोल दिलाएंगे शपथ। 20 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 7 जज शपथ लेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस राजन गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस PV बजनत्री और केरल हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस AM बदर को चीफ जस्टिस संजय करोल शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही 4 नवनियुक्त जज संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा एवं राजेश कुमार वर्मा को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे। दशहरा छुट्टी खत्म होने के बाद 21 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के खुलते ही सभी न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। पटना हाईकोर्ट में पूजा अवकाश के ठीक पहले न्यायिक सेवा कोटे से 2 जज पटना कोर्ट में शपथ ग्रहण किए थे। शपथ ग्रहण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 26 हो जाएगी, जबकि यहाँ जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। इस तरह अभी भी 27 जजों के पद रिक्त पड़े हैं। 20 अक्टूबर को पनोरमा खेल प्रतियोगिता का होगा उद्घाटन, बॉलीवुड कलाकार समेत
कई दिग्गज करेंगे शिरकत। पहली बार पनोरमा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका और पनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा के द्वारा 20 अक्टूबर 2021 से पनोरमा स्टार खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन ई होम्स पनोरमा में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पनोरमा स्टार के नाम से चल रही प्रतियोगिता विगत 4 वर्षों से पूर्णिया और पूरे बिहार के प्रतिभावान बच्चों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो उन्हें उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करता है। प्रतियोगिता का आयोजन ई होम्स पनोरमा के विशाल, अद्भुत, आकर्षक और विशेष सुविधाओं से लैस प्रांगण में किया जा रहा है। इस कैंपस की विशेषता यह है कि यहां हेलीपैड तक बनाने की योजना है। पूर्णिया के लिए यह एक अनूठा कैंपस है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।